मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए। फायदा ये हुआ साहेब, मैं तैरना सीख गया। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा। सब रखिए दोस्त, वक्त अपना भी आएगा। अजीब शब्द है सॉरी, इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। कैसे नादान है हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं। खुदा महंगी घड़ी सबको दे पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। उसके साथ रहो जिनकी तबीयत खराब हो, लेकिन उनके साथ कभी मत रहो जिनकी नियत खराब हो। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती, उनकी बदनामी शुरू की जाती है। संसार में एक मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं उसके बातों में है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह भी आप सोचोगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। आँखों में आंसू तभी आते हैं जब आप सच्चे हो और आपको समझने वाला कोई ना हो। और आपका दिल तभी टूटता है जब आप किसी पर हद से ज्यादा भरोसा करते हो और वो इंसान आपका भरोसा तोड़ता हो। ये मंदिर भी कितनी अजीब जगह है ना, यहाँ गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता है और अमीर मंदिर के अंदर। जब इंसान के जेब के अंदर पैसा होता है तो वो भूल जाता है कि वो कौन है, और जब पैसा नहीं होता है तो लोग भूल जाते हैं कि वो कौन है। झूला जितना पीछे जाता है उतना आगे भी जाता है, इसलिए यदि जिंदगी का झूला पीछे जा रहा है तो डरिए मत, बस मेहनत करते रहिए, वो आगे भी आएगा। कोई नहीं है दुश्मन मेरा, फिर भी परेशान हूँ मैं, क्यों देते हैं अपने ही जख्म। इस बात से हैरान हूँ मैं, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को बताओ कि आपके हौसले कितने बड़े हैं। जिंदगी में ये 5 बातें हमेशा याद रखना। 1, माँ से वफादार कोई नहीं है। 2, गरीब का कोई मित्र नहीं। 3, लोग सूरत देखते हैं सीरत नहीं। 4, इज्जत पैसों की होती है इंसान की नहीं। और 5, जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा दुख देता है। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। बस आपको ये पता होनी चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। जीवन में कभी किसी को समय देने के लिए फोर्स मत करो। यदि उसको आपकी वैल्यू होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकाल लेगा, और यदि वैल्यू नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से गिर जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाने से मिलती है। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं, इसलिए अपने आप को शिक्षित बनाए, धनवान नहीं। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। कचरे में पड़ी रोटियां बस यही बयां करती हैं कि भूख मिटने के बाद इंसान अपनी औकात भूल जाता है। जिंदगी में ये बातें हमेशा याद रखना। 1, जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं। 2, जो पचता नहीं उसे खाना नहीं। 3, जो सत्य पर रूठे उसे मनाना नहीं। 4, जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं। 5, जो मौसम सा बदले ऐसा दोस्त बनाना नहीं। ये तकलीफें तो हिस्सा है जिंदगी का, डटे रहना घबराना नहीं। किसी से रिश्ता जोड़ना हो या तोड़ना हो तो जल्दबाजी ना करे, थोड़ा समय और दे ताकि बाद में पछताना ना पड़े। कोई आपका विश्वास तोड़े तो उसे धन्यवाद करें, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जमाने की नज़र में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो, क्योंकि यदि मोम जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग जलते ही रहेंगे। यदि आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, ये वक्त खुद गवाही दे देगा। बड़ा व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास धन दौलत है,
बल्कि बड़ा व्यक्ति वो है जिसके पास बैठने पर छोटे व्यक्ति को छोटा महसूस ना हो। ऊंची उड़ान भरने वाले पंछी भी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। लोग कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा होगा तो वो आपके पास लौटकर जरूर आएगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि प्यार यदि सच्चा होता तो वो आपको छोड़कर ही क्यों जाता? भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। किसी को टूटकर चाहो मगर आदत मत बनाना, क्योंकि आदतें बदलने में इंसान अक्सर टूटकर रह जाता है।